हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पांच ऐसे खानों के बारे में जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने चाहिए, ऐसी चीजें जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्रेस करें सब्सक्राइब का बटन और बेल का आइकन भी दबा दें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन एक माँ को यही रहता है कि वो किस चीज़ को खाए और किस चीज़ को ना खा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर असल में माँ को वही खाना चाहिए जो उसके लिए हेल्दी हो, जो उसके शिशु के लिए हेल्दी हो, और वो कुछ भी उस वक्त खाए जब सही वक्त हो और खाने की चीज़ बिल्कुल सही हो। इस वजह से आपके होने वाले बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो आपको अपने खाने में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जिसमें सबसे पहले आती है हाई मरकरी फिश। जिन महिलाओं को फिश खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है वो फिश को सोच समझ के खाएं, क्योंकि फिश की कुछ जातियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मरकरी आता है और मरकरी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मरकरी अक्सर पॉल्यूटेड वाटर यानी प्रदूषित पानी में पाया जाता है, जिस वजह से हमारा नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और किडनी इफेक्ट होती है और उससे जुड़े हुए रोग हमें होने लग जाते हैं, और कई बार ये मरकरी हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। दूसरी चीज़ जो कि एक माँ को प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए वो है अंडर कुक्ड या रॉ फिश, यानी ऐसी मछली जो कि पूरी तरीके से पकी हुई ना हो। कुछ महिलाओं को सी फूड खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, स्पेशली पकी हुई मछलियों को, तो वो महिलाएं ध्यान रखें जो सी फूड ढंग से पका हुआ ना हो उसे वो ना खाएं, क्योंकि ऐसा सी फूड हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाता है और इन्फेक्शन फैलाने के साथ साथ वो बच्चे को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। वो एक माँ को डिहाइड्रेट कर देता है, उसके शरीर में पानी की कमी कर देता है और उसे कमज़ोर कर देता है। इस वजह से माँ से होता हुआ इन्फेक्शन एक नए बच्चे को भी चला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कभी भी कम पका हुआ या फिर ना पका हुआ मछली ना खाएं। तीसरी चीज़ एक माँ को अवॉइड करनी चाहिए वो है रॉ एग्स यानी कि कच्चे अंडे। कच्चे अंडे भी कई बार नुकसानदायक होते हैं और वो प्रदूषित होते हैं, जिस वजह से वो एक माँ को बहुत ज़्यादा तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं और वो एक माँ को फीवर कर देते हैं, उन्हें वॉमिट होने लगती है, उन्हें पेट का दर्द होने लगता है और उन्हें क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो आप रॉ एग्स को अवॉइड करें। चौथी चीज़ जो कि आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल यानी शराब। कई प्रेग्नेंट महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, जिस वजह से उन्हें मिस कैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं और इसी के साथ साथ महिला को और उसके होने वाले बच्चे को भी काफ़ी नुकसान होते हैं। ये बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में भी नुकसान पहुँचाता है, इसलिए जो महिलाएँ अल्कोहल का यानी शराब का सेवन करती हैं वो प्रेगनेंसी में शराब बिल्कुल छोड़ दें। पांचवी चीज़ जिसका महिला को ध्यान रखना चाहिए वो है जंक फूड को छोड़ देना। आजकल की पीढ़ी में जंक फूड खाना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि अगर हम खाना नहीं खा पाते हैं तो हम जंक फूड खा लेते हैं, पर प्रेग्नेंट महिला को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जंक फूड ना खाए, क्योंकि जंक फूड खाने से आपकी बॉडी में सफिशियंट मात्रा में कैलोरीज नहीं पहुँच पाती है और प्रेगनेंसी में आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो कि फास्ट फूड से नहीं मिल पाती है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी में फास्ट फूड खाती हैं वो फास्ट फूड को खाना बंद कर दें। तो ये थी पांच ऐसी चीज़ें जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।